हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की उपासना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त इन नौ दिनों में बड़े भक्ति भाव से पूजा पाठ में लीन रहते हैं। शास्त्रों में इन नौ दिनों तक व्रत रखने पर कुछ नियम बताए गए हैं। इन नौ दिनों के दौरान माता के नौ स्वरूपों को उनका मन पसंद भोग चढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं इन नौ दिनों में माँ को कौन सा भोग लगाएं। नवरात्रि का पहला दिन माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है, इसलिए माता दुर्गा को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भ्रराचारिणी को चीनी और मिश्री का भोग लगाना शुभ माना जाता है। साथ ही इन चीजों को दान करने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इस दिन माता को गाय के दूध का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए, साथ ही इन चीजों का दान भी करना चाहिए। ऐसे करने से मान सम्मान बढ़ता है। पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए, ऐसे करने से दुखों का नाश होता है। छठा दिन माँ कात्यानी की पूजा होती है। इस तिथि को शहद से माता को भोग लगाना चाहिए। शहद के भोग से जीवन में मिठास आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ को गुड़ का भोग लगाना शुभ फल प्रदान करता है और इससे आपकी हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगाना अच्छा माना जाता है, इससे धन की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि पर माँ को कई तरह के अनाज का भोग लगाना चाहिए, इससे करने से समाज में मान सम्मान मिलता है।